आप आईएएस के दैनिक विशेष हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज थोड़ा कुछ ज़्यादा आर्टिकल हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से चेतन भगत जी का आर्टिकल है ना, जो कि फेमस युवा अंग्रेजी लेखक भी माने जाते हैं, और वही हृदय नारायण दीक्षित जी का है कुछ। काफ़ी इसमें थोड़ा सा चेतन भगत जी ने भी काफ़ी इनोवेटिव आइडिया, जो अपनी जो इकोनॉमिक का स्लोडाउन चल रहा है तो उसके उसमें काफ़ी इनोवेटिव आइडिया दिया है उन्होंने। तो आज हम कुछ ये अच्छे अच्छे आर्टिकल जो डिस्कस करने वाले हैं, तो हम आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल है ये, सोच बदलने से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। ये चेतन भगत जी का आर्टिकल है। तो इसमें जो है तो जैसे कि अपनी वर्तमान स्थिति जो है तो अपनी आर्थिक जो भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर है, तो उसके बारे में जो है तो कुछ उन्होंने मतलब कि बहुत अच्छे कुछ इसके रीज़न भी बताए हैं, सुझाए हैं, और साथ ही उसके कुछ सकारात्मक सुझाव भी उन्होंने अपने दिए हैं, जिससे कि इस जो वर्तमान की स्थिति है इससे निपटा जा सके बेहतर तरीके से। तो उसी के लिए उन्होंने कुछ बताया है, तो उसी पर देखते हैं कि जैसे कि अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, तो इस बारे में तो हालांकि दिख भी रहा है उस चीज़ें ना, तो यही जो सरकार की जो दूसरी पर इसमें देखा गया कि जो पिछली हमारी 5 साल की ये जो सरकार थी और जब फिर से हो गई, तो ये मतलब कि इसमें तो कुछ आशा हो गया था कि कुछ ज़्यादा ही अपनी जो इकोनॉमी है तो दोहरी उससे वृद्धि करेगी, लेकिन जो आशाओं के अनुरूप जो है तो उसमें विकास नहीं देखा गया ना, उम्मीद के हिसाब से नहीं, उसके आउटकम नहीं मिल रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पास है कि जैसे हमारे जो हम मतलब कि एक प्रेडिक्शन ऐसा हो रहा था कि जो डबल डिजिट में हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बट वो तब गिर करके 5% के करीब आ गई, तो ये भी एक आशा के प्रतिकूल ही चीज़ें हो रही हैं। यानी कि जो हमारे हमने मतलब कि दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का टैग भारत के पास था, तो वो तो एक प्रकार से छिन सा ही गया है ना ये स्लोडाउन के चलते। और इससे बढ़िया तो यहाँ पास जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही भी 3% जो कि काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में मानी जाती है, तो उसकी 3% की दर से बढ़ रही है, तो ये तो फिर एक प्रकार से बेहतर ही। और जो भारत की जो 2% की बढ़त है, तो वो भी जो है तो सरकार के बाहर के जो जोखिम नियम कायदे हैं उनसे संबंधित जो है ना, और जो तीसरी दुनिया के हैं तो उनके जोखिमों के लिए जो पर्याप्त नहीं है ना, तो जो इस देश में जो बिजनेस करने के लिए लेने पड़ते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो 2% का अमेरिका से हमारा मतलब कि कुछ ज़्यादा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं है। ये कोई मतलब कि ज़्यादा सकारात्मक संकेत नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ पास निवेश को बढ़ाया जा सके। और जो है तो यहाँ पास कर की दरें जो भी हैं तो काफ़ी ऊंची हैं, है ना, वहीं पर हर कुछ माह में इसमें तो कह सकते हैं कि अस्थायित्व की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पास से हमारे जो है कर की स्थिति भी बदलती रहती है ना, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वहीं इसमें जो है तो इसके साथ ही यहाँ देखें कि जो हमारे जो टैक्स के ऑफिसर हैं, तो ये भी अपने जो कि जो इनकम वगैरह होती है, टैक्स वगैरह होती है, तो उससे संबंधित जो है तो मतलब उसके काफ़ी कड़े उसके अपने टैक्सों के लिए मतलब कि उनको जो भी बिजनेसमैन वगैरह होते तो उनको माफिया के दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब कि उनको हे दृश्य देखा जाता है ना, और उनकी जैसे उनको टैक्स वगैरह में कोई भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बरती गई। तो इस तरह से निश्चित तौर पर जो सुपर अचीवर ये जो हमारे मतलब कि सक्सेस वगैरह जो मतलब रिच पर्सन हैं, तो उनको सच मतलब सुपर अचीवर की बजाय एक प्रकार से सुपर रिच कहलाने की बात होगी, मतलब कि वो इतना ज़्यादा उनको इस टैक्स की प्रणाली से जटिल टैक्सेशन के सिस्टम से इतना ज़्यादा उनको जूझना पड़ता है कि उनको सुपर रिच कहलाने की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और जो भारत के जो इन्होंने मतलब कि ये राइटर के व्यू हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे भारत में जो धनी लोगों का मतलब है कि बुरे लोग, इस प्रकार से मतलब कि इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं कि उनको इस दृष्टि से देखा जा रहा है वर्तमान में, इस तरह की कंडीशन आ गई है ना, और इसलिए यहाँ पास से जो है तो यहाँ पास जो रिच लोग हैं तो उनके उसमें टैक्सेशन भी काफ़ी हाई रखे गए हैं, और इसके बाद वहाँ पास टैक्स तो है चार्ज के साथ साथ सरचार्ज भी ज़्यादा है उसमें, जैसे शुल्क के साथ साथ उपशुल्क भी वसूले जाएंगे, तो इस तरह की कंडीशन भी ज़्यादा उनको हतोत्साहित करती हैं इसमें से। और यदि उसमें वो कुछ मतलब और ज़्यादा हाई प्रोफाइल सुविधाएं जैसे कि अच्छे होटल वगैरह में ठहरे गए, तो उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह उसके अलग होते हैं, तो उससे उनको जो टैक्स का डबल टैक्सेशन की मार फिर से झेलनी पड़ती है, और वहीं उसमें 28% का अलग से चार्जेस सर्विस चार्ज वगैरह होती है।
कार वगैरह में हो तो उसमें यदि कार खरीदना चाहते तो उसमें भी सुपर टैक्स वगैरह की है, जो कि 28% देने की बातें, 28% टैक्स दिया जाता है। तो इस तरह की जो रोड टैक्स वगैरह, इस तरह की समस्याएँ उनको मतलब ज़्यादा ही फेस वो करनी पड़ती हैं। और जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जटिलताओं पे तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं और वो एक टाइप से मतलब एक अचरज की स्थिति पैदा कर देते हैं कि ये कैसे ऐसे अर्थव्यवस्था में किस तरह हो सकता है, जैसे कि वर्तमान स्थिति हुई भी है। हाँ, यहाँ पास जो राइटर हैं तो हालांकि वो मेड इन इंडिया का खूबसूरत लोगों की बात तो करते हैं, वहीं पास उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि यहाँ पास हम सिर्फ इतना मतलब लोगों से या बाहरी दिखावे से ही निवेशकों को हम आकर्षित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें मतलब कि ठोस कदम उठाने होंगे, है ना। अब क्या पता हमारी जो जटिल प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा यहाँ पास हैं तो कोई भी इतना ज़्यादा हाई टैक्स है उनके साथ, मतलब टैक्स जो ज़्यादा कमा रहा है तो उसके साथ और भी सरचार्ज भी लगा रहे हो आप अलग से, तो इस तरह डबल टैक्सेशन की समस्या से कोई भी देश जो है तो यहाँ पास क्यों ज़्यादा रुकेगा। जो ज़्यादा रिच पर्सन तो वापस वो दुबई में जाएगा, या और जहाँ पास टैक्स जीरो टैक्स वाले देश है तो वहाँ पास पलायन करेगा, वहाँ पास अपने निवेश बढ़ाएगा, जो कि निवेश के लिए वहाँ पास स्वागत करते हैं, उनमें इस तरह के वहाँ पास टैक्सेशन से रिलेटेड इस तरह की जटिलताएँ नहीं है, वहाँ पास पलायन करेंगे। और संभव है कि वो सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण एशिया के किसी देश में जाएंगे, जैसे टैक्स हेवन वगैरह वैसे देशों में भी जा सकते हैं जहाँ पास टैक्स की जो दरें हैं तो बहुत ही कम, लगभग 10-20% की रेंज पे होती हैं, तो इस तरह की संभावनाएँ भी पाई जाती हैं। और फिर वो, और दूसरी बात, यहाँ पास चलो यदि टैक्सेशन, टैक्स की जो सिस्टम वो काफ़ी हाई हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, उसके हिसाब से सुविधाएँ हो भी हो, तब तो वो चीज़ें जायज़ होती हैं ना, तो फिर टैक्स भी देना उचित माना, वो टैक्स भी आसानी से व्यक्ति दे देता है, क्योंकि उस तरह की सुविधाएँ हैं, जैसे कि यहाँ पास यदि सड़कें अच्छी हों तो क्यों नहीं वो टैक्स बिल्कुल देगा, उस टैक्स देने में कोई भी समस्या नहीं होगी ना, वो आराम से टैक्स देगा। तो इस तरह की यदि जहाँ पास निवेशक जो हैं तो निवेशक भी वहाँ पास निवेश करते हैं जहाँ पास एकदम प्रकार से एक कैसे कामयाब लोग जो होते हैं, तो पूंजीपति उद्यम को तो बुरे रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर नियमित रूप से सबक सिखाना ज़रूरी बात कर रहे हैं लेखक। यहाँ पास कहते हैं कि ये जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है तो उसकी समस्याएं जो है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इस तरह के जो टेम्परामेंट एक प्रकार से माइंडसेट हो गया है कि जो सुपर रिच है ना तो उनके बारे में हे दृष्टि से, तो इस तरह की जो है तो प्रकार से समस्या उसके हम खुद ही मतलब इस तरह की समस्याओं के हमने खुद ही उनको बनाया है ना। तो और इसमें जैसे कि हमने निवेशक विरोधी है, निवेशक विरोधी, संपदा निर्माण विरोधी, उपलब्धि विरोधी, सफलता विरोधी संस्कृति इस तरह की विकसित की है, जो टेम्परामेंट लोगों के माइंड पे डेवलप हो चुका है, तो ये चीज़ें जो है ना तो इससे निवेशकों को हमसे दूर करती हैं, ये समस्याएं ज़्यादा मतलब कि जो है तो खाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं निवेशकों के बीच और आम जन के बीच, क्योंकि इस तरह का टेम्परामेंट ही विकसित हुआ है ना हमारे उस पे। और साथ ही यहाँ पर देखें कि हम जैसे, और उसके साथ ही साथ हमारा जो सामना होता है तो संकट से तो जब हम होता है तो सिर्फ हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ ख़राब नीति है तो उनको हमने वापस ले लिया, नहीं ख़राब नीति वापस ले लिया और उसकी जगह पे कुछ सरकारी योजनाएं और घोषणा कर दी। और जब सरकारी योजनाएं घोषित करेंगे तो उससे तो पैसे उसमें और ज़्यादा ही लगेंगे ना, उसमें पैसा तो मतलब कि और ज़्यादा डालना ही पड़ेगा, तो इससे फिर चीज़ समस्याएँ ही क्रिएट होगी, उसमें से कोई ज़्यादा खास उसका आउटपुट नहीं मिलने वाला है उसमें, मतलब कि कुछ यहाँ पास इसी इन्हीं जो ये समस्याएं हैं तो इन्हीं के लिए कुछ इन्होंने मतलब कि राइटर ने कुछ मतलब सुझाव दिए हैं, तो जिससे कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता है। तो कुछ उनके सुझाव हैं जो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पास उन्होंने बताया कि कैपिटल गेंस टैक्स को हटाने की बात उन्होंने की है, कि पहला काम तो यह किया है जो कैपिटल गेंस टैक्स है तो उसको हटाया जाने, जैसे कि कुछ इनकम होती है उसमें से एक लिमिट के बाद कुछ ज़्यादा ही उसमें होती है तो उसमें भी टैक्स लगता है, तो उस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि निवेशक इस चीज़ को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जो है तो मुनाफे को निवेश की स्पर्धा लायक नहीं छोड़ते हैं, ये राजस्व यहाँ पर से जो है तो ये राजस्व वसूलने लायक नहीं है, तो इसको हटाने की बात की है। दूसरा सजेशन उन्होंने दिया कि एक जीएसटी हो और एकदम सरल और कम टैक्स दरें हों,
टैक्स की मतलब कि जो टैक्स दर है वो भी कम हो, और हमारी जो जीएसटी की जैसे कि इसमें हमारे चार स्लैब हैं तो इनको जो है तो इनको एक प्रकार से इंटीग्रेट करने की बात की है। एक बहुत ही ज़्यादा ये जो अभी जटिल प्रक्रिया है तो इसको मतलब एकदम सरल तरीके से हो जिससे लोगों को ज़्यादा समस्याएँ ना हो, नहीं तो भी करके चक्कर में ही उलझे रहेंगे और मेन जो फोकस है उनका इन्वेस्टमेंट वगैरह से तो उससे ध्यान भटकेगा। इससे साथ ही यहाँ पास से थोड़ी इसमें जो है तो इसके लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा मतलब काम करना पड़ेगा, और जीएसटी दरें बदलने और ऑटो सेक्टर को राहत देने से अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलेगी। मतलब ये तो एकदम माइनर सी चीज़ ही ज़्यादा बड़ी पहल नहीं है कि सिर्फ हम जीएसटी की दर बदल दिए, जैसे कि यहाँ पास हमारी सरकार ने कुछ जैसे दरें कुछ बढ़ाती रहती है इसमें से थोड़े अस्थायित्व की स्थिति भी है किसी में। हाँ, हालांकि भी यहाँ पास सरकार ने ऑटो सेक्टर को भी कुछ बूस्ट देने के लिए कुछ मतलब कि इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से थोड़ी ही उस पर मतलब ये तो थोड़ी मतलब सुधार है, ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्ट नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए क्या है कि जीएसटी की एक दर तय हो और साथ ही कुछ सप्ताहों में इससे बदलने के बजाय मतलब कि इसकी अस्थायित्व के बजाय इसमें निरंतरता हो, कुछ लंबे समय तक सतत और सॉलिड उपाय हो ना, जिससे कि अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर जब क्योंकि अस्थायित्व होगा तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी मतलब समस्या होती है, तो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि स्थायित्व भी एक प्रकार से हो। तो यहाँ पास जैसे कि अस्थायित्व की स्थिति ना हो तो अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर इससे इम्प्रूव होगी। साथ ही जो टैक्स है और कॉरपोरेट टैक्स वगैरह है तो उसमें कोई शुल्क सरचार्ज जटिलताएँ ना हों, तो उसको भी एकदम सामान्य करने की बातें हो रही हैं। वहीं जीएसटी की दरें हों उनको भी कम करने की बातें हैं, जिससे कि एक प्रकार से ये भी कहा गया कि जो सारे एशियाई देश हैं उनमें से न्यूनतम मतलब कम से कम हो तो और उसको सरल और एकदम मतलब एकदम फिक्स कर दिया जाए, तो इससे भी कुछ इकोनॉमी को अपनी बूस्ट मिलेगा। और तीसरा जो उपाय है तो ये राइटर ने सुझाया है कि जो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पास जो टेम्परामेंट है बन गया है कि जैसे धनी उपलब्धि हासिल करते हैं, जैसे कि जो रिच बन गए हैं और पूंजीपतियों को अर्थव्यवस्था को गति देने वाले के रूप में देखने की बात की, यानी कि उनके प्रति पूंजीपतियों के प्रति जो नकारात्मक भावना मतलब मानसिकता में बैठ गई है तो उसको चेंज करने की बातें की यहाँ पास रेट ने, मतलब कि पूंजीपतियों को अर्थव्यवस्था को गति देने वाले के रूप में देखें और उनके पास वह जो पूंजी होती है तो वही पूंजी जा करके इकोनॉमी में एक प्रकार से फ्लो होती है और वही नीचे तक पहुंचती है, जो ही जॉब क्रिएट करती है ना, अर्थव्यवस्था को उसी से बूस्ट मिलता है, उसी से विस्तार होता है। और समानता व निष्पक्षता की झूठी धारणा जो है तो उसके इसे नष्ट करने से अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ये जो इस तरह की समानता और निष्पक्षता की आड़ पे कहते हैं कि जैसे कि ज़्यादा कम लोगों के पास ही ज़्यादा लोगों की संपत्ति संकेंद्रित हो रही है, तो राइटर ने यहाँ पास इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है और साथ ही कहा है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में धनी और धनी होंगे और इससे हमें निपटना होगा, इसके लिए कुछ हमें दूसरा उपाय करना होगा। ये तो सब ठीक ही है लेकिन इसके लिए हमें जाए क्योंकि जिसके पास मनी है तो ऑलरेडी उसके पास अब करने योग्य तो बढ़ेगा ही, तो ये तो चीज़ें होना ही होना स्वाभाविक है। तो अपना फोकस यहाँ पर राइटर ने कहा है कि हमें अपना फोकस गरीबों को धनी बनाने पर रखना चाहिए, ना कि धनी को गरीब बनाने में, यानी जो ऑलरेडी उठ गया है तो उसको हम ना खींचें बल्कि जो नीचे है तो उसको हमें ऊपर करने की बात यहाँ पर राइटर कहता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा भी है। और साथ ही उन्होंने सुरक्षा से जुड़े उद्योग को छोड़ करके लगभग हर सेक्टर को 100% विदेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने की बात भी कही है, जो कि जिससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वहीं राइटर ने पाँचवा जो सजेशन दिया है तो उन्होंने दिया कि अधिक से अधिक जो टैक्स वसूली करके हम जश्न मनाते हैं कि इतना कलेक्शन हो गया, टैक्स हमने इतना इकट्ठा कर लिया है, तो इसकी बजाय अपने टैक्स को कम करके, टैक्स की जो रेट है उसको कम करके, भले ही वसूली गिर रही है तो टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है तो होने दो, कर वापस लौटेंगे वो बाद में जब कभी हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो, है ना, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब समस्या वो नहीं है। साथ ही छठा सजेशन राइटर ने दिया है कि जो महानगरों की हमारी जो दशा है तो उसको बहुत ही सुधारने की ज़रूरत है, जैसे कि धनी लोग होते हैं वो अर्थव्यवस्था के केंद्र होते हैं, उसी तरह महानगर भी होते हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र होते हैं, क्योंकि यदि जैसे कि देखा जाए कि यदि वरिष्ठ प्रबंधन अचीवर या प्रतिभाशाली लोग जो है तो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पास कि उस तरह की आर्थिक वृद्धि मतलब कि उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सुविधाएँ हों, तो वहीं पास वो पसंद करेंगे, और जहाँ पास ज़्यादा जटिलताएँ जहाँ समस्याएँ होंगी तो वहाँ वो क्यों रहेंगे। जैसे कि हम अपने यहाँ पास बड़े शहरों की मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, जैसे मुंबई हो गई, बेंगलुरु हो गई, कोलकाता हो गई, यहाँ तक कि दिल्ली इंक्लूड कर लिया जाए तो यहाँ पास कितना ट्रैफिक वगैरह देखा जाए, कितना ज़्यादा व्यस्त ट्रैफिक रहता है, यदि हम अपने जाम हो चुके जो महानगर हैं
तो उनके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था भी जाम हो रही है, यानी कि इस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था की गति भी इन समस्याओं के कारण मतलब थमती से चली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में राइटर ने बताया, तो इस प्रकार से हमारे समाज में जो अधिक फैली और सरकारी अधिकारों में जमी बैठी सफलता विरोधी और संपदा विरोधी मानसिकता है, तो उसी को बदलने की बात यहाँ पर राइटर ने की है। इसने हमेशा ही भारत की आर्थिक वृद्धि को उसकी क्षमता से नीचे रखा है, वही सिर्फ छोटे मोटे काम से नहीं बल्कि इसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होगी, तभी जा कर के हम धनी राष्ट्र होने के हकदार हैं। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा रहा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना दैनिक जागरण से, जो कि समान नागरिक संहिता के लिए यहाँ पास हृदय नारायण दीक्षित जी का आर्टिकल है, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा, इन्होंने इनके जो आर्गूमेंट है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक मतलब बढ़िया है। तो इन्होंने बताया है, जो कि समान नागरिक संहिता की बहस भी छिड़ गई है अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल कहता है। तो यहाँ पास जैसे राइटर ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ पास संविधान से ही देखें तो संविधान को जो हम भारत के लोग ना, तो यहाँ पर जो भारत की उद्देशिका में भी हम भारत के लोग से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पास जो है तो भारत के लोगों ने ही तो संविधान को बनाया है ना, संविधान के निर्माता तो भारत के लोग ही हैं, तो संविधान को जो ताकत है तो भारत के लोगों से ही मिलती है। तो भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया है और समान मौलिक अधिकार भी दिए हैं संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को। तो वहीं राष्ट्र जो राज्य को भी अनेक कर्तव्य, जहाँ पास नागरिकों को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी तरह से राज्यों को भी, राष्ट्र जो है तो राज्यों को भी उनके कर्तव्य सौंपे गए हैं, उनको राज्यों को संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय। तो वही जो है तो ये हमारे DPSP में आते हैं, नीति निदेशक तत्वों में वर्णित किए गए हैं। तो यही है कि ये जो है DPSP हैं, तो ये हमारे क्या है, व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शो करते हैं कि हमारी आकांक्षाएँ क्या हैं राष्ट्र की। तो उसी के बारे में यहाँ पास राइटर एक बताते हैं, मतलब कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का, तो उन्होंने लिखा है कि राज्य की सकारात्मक बाध्यताओं की रचना करके संविधान सभा ने भारत की भावी सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपे हैं। यहाँ पास तो कुछ निदेशक तत्वों पर तो सकारात्मक काम हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए जो कि महत्वपूर्ण है आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता को प्रदर्शित करता है, तो उसके बारे में कोई खास मतलब प्रगति देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पास किस हालांकि सर्वोच्च न्यायपीठ ने यहाँ अपनी एक टिप्पणी में कहा भी है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। ये न्यायालय तो 2003 और 1995 और 85 में भी संहिता के लिए मतलब न्यायालय ने जोर दिया था, तो लेकिन उसमें भी कोई खास प्रगति होती दिख नहीं रही है। और बावजूद इसके कि जो समान नागरिक संहिता है तो ये तो ठीक है इसको लागू करने की बात, यहाँ पास कुछ समस्याएं भी है, जैसे कि सांप्रदायिक कारण है, तो ये जो है तो चुनौतियाँ हैं जिसके कारण ये इसका प्रवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से ध्यान आकर्षण किया, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल में एक गोवा की भी प्रशंसा की है इसी मामले की, वहाँ पास तो वो भी भारत का अभिन्न मतलब कि एक हिस्सा मतलब राज्य ही है, वहाँ पास तो समान नागरिक संहिता बहुत बेहतर तरीके से लागू है, तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी भी की है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय गोवा में जो पंथिक विश्वास के परे समान नागरिक संहिता है, बेशक निदेशक तत्वों के प्रवर्तन में न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, लेकिन जीवन स्तर को उन्नत करने संबंधी जो निदेशक के तत्व आर्टिकल 47 है उस पर तो काम हुआ, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, लेकिन 44 अभी आर्टिकल 44 पे कोई विशेष पहल नहीं हुई है। हालांकि जो और DPSP के आर्टिकल 47 है, 43 है, आर्टिकल 40 है, 39 खा है, तो इसमें कुछ मतलब अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं ना। तो जैसे हमारे कुटीर उद्योग से रिलेटेड DPSP का आर्टिकल 43 है, तो इसमें भी काफ़ी सरकार पहल कर रही है। और वहीं ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 44 है, तो उसमें भी मतलब उनको सत्ता का विकेंद्रीकरण से रिलेटेड उनको मतलब कि और बहुत सी मतलब अधिकार दिए हैं। तो ये भी कुछ मतलब DPSP के जो आकांक्षाएं थी राष्ट्र की, तो उससे कुछ साकार होते दिख रहे हैं। वहीं देखा जाए कि आर्टिकल 39 खा में जो भूमि गरीबों को भूमि वितरण संबंधित, तो उसमें भी कुछ मतलब काफ़ी पहल की गई है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि भी जब ये हर चीज़ें मतलब सरकार पहल कर रही है DPSP के और उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि एक राष्ट्र और एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का जो स्वाभाविक सिद्धांत है वो आखिर लागू क्यों नहीं हो सकता है जब ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये राइटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर से देखा जाए कि समान नागरिक संहिता जो है तो राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि पूरा नेशनल पूरा राष्ट्रीय एकता के लिए इसको मूलाधार बताया गया है समान नागरिक संहिता को।
वहीं जो संप्रदाय विशेष के सदस्य जो होते हैं तो संहिता को अपने निजी मजहबी कानूनों में हस्तक्षेप मानते हैं। कुछ यहाँ पास जो चैलेंजेस है तो उसी के बारे में कि जैसे कि कुछ ऐसे सी संप्रदाय हैं जो कि इसे अपने निजी कानूनों के लिए हस्तक्षेप मानते हैं, इसलिए इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए समस्याएँ खड़ी करते हैं। वैसे हालाँकि जो कानून होते हैं यहाँ पास मतलब कानून जो होते हैं तो निजी तो नहीं होते हैं ना, दुनिया के सारे कानून होते हैं वो राज और समाज के संवैधानिक संस्थाओं से ही जन्म लेते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं। लेकिन जो सभा के कुछ सदस्य हैं वो राष्ट्रीय विधि के निर्माण में भी निजी कानूनों को ऊपर बता रहे थे, तो उसके बारे में यहाँ पास कुछ आर्गूमेंट उस समय के मतलब सदस्यों के यहाँ पास राइटर ने जिक्र किया उन चीज़ों की। जैसे कि मोहम्मद इस्माइल ने कहा था कि यह उचित नहीं कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए, इनको निजी कानून को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने की बात उन्होंने की थी, ये ज़रूरी नहीं था। वहीं महबूब अली ने भी कहा था कि 1350 साल से मुसलमान इसी कानून पर चलते रहे हैं और हम अन्य प्रणाली मानने से इनकार कर देंगे, वो भी इस चीज़ को मतलब कि इसके अगेंस्ट ही बोल रहे थे। वहीं बी पोकर ने भी कहा था कि अंग्रेज़ों ने निजी कानूनों को मानने की अनुमति दी थी, यानी कि अंग्रेज मतलब उनके आर्गूमेंट थे कि अंग्रेज़ों ने भी निजी कानूनों को मानने के लिए मतलब उनकी भी एक्सेप्टेंस थी कि मान सकते निजी कानून को। तो यही इसी के जस्ट अपोजिट अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर जी का मतलब कि काफ़ी ये अच्छा उनका कथन था कि अंग्रेज़ों ने पूरे देश में एक ही आपराधिक कानून लागू किया, क्या उसे लेकर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया यहाँ पास, काउंटर क्वेश्चन किया कि जब अंग्रेज़ों ने ही तो पूरे देश में एक आपराधिक कानून लागू किया था तब उसके लेकर तो लोगों ने विरोध नहीं जताया था। वहीं इसके लिए क्या है कि पंथिक विश्वास बहुत ही ज़्यादा जो निजी आस्था है उससे भी ज़्यादा वो है, लेकिन संविधान सभा में जो पंथिक विश्वास है तो उसको निजी कानून के शक्ल में पेश किया गया। कहा गया कि समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अन्याय है, ऐसा उसमें मतलब कहा जाता है। लेकिन क्या मुंशी ने कहा है कि किसी भी उन्नत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के निजी कानून को अटल नहीं माना गया कि व्यवहार संहिता बनाने का निषेध हो। उन्होंने हालांकि तुर्की और मिस्र के भी उदाहरण दिए हैं तो क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे इन देशों में देखो अल्पसंख्यक कितने अधिकार नाम मात्र भी नहीं है, जबकि यहाँ पास देखो कि अल्पसंख्यक को कितने ज़्यादा अधिकार भी दिए गए हैं राज के, तो उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो ये भी है। तो यहीं पास जो अम्बेडकर जी हैं तो अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि मैं इस कथन को चुनौती देता हूँ कि मुसलमानों का जो निजी कानून है सारे भारत में अटल तथा एक विधि था। 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून लागू नहीं था, उत्तराधिकार तथा अन्य विषयों में वहाँ हिंदू कानून मान्य थे, यानी कि हिंदू कानून वहाँ पास उसमें मान्य थे। वहीं 1937 तक संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बम्बई हो गया है ना, और जो है तो अन्य प्रांत है तो वहाँ पास जो उत्तराधिकार के विषय संबंधित जो थे तो मुसलमान पर हिंदू कानून ही लागू थे उस समय भी। तो इसको तो इस तरह नहीं कह सकता कि निजी कानून ही स्वरूप मतलब कि उस तब के समय भी इस तरह के कानून मतलब लागू थे इंटीग्रेट तरीके से। तो यहाँ पास कई उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो इस देश में लगभग एक ही व्यवहार संहिता है, एक विधि है, ये भी है कि अपने जो अपना वो है तो एक विधि मतलब कि आईपीसी वगैरह भी तो ये एक ही इंटीग्रेटेड वो चीज़ें हैं। समुचित भारत जो है तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में तो है, और अंबेडकर के साथ साथ राम मनोहर लोहिया ने भी इसका समर्थन किया था समान नागरिक संहिता के। वहीं पास देखे कि इसके अगेंस्ट में ही पर्सनल लॉ भी 1972 में बना था कि जब ये कि समान नागरिक संहिता की ये नहीं होने देने के लिए, यानी कि समान नागरिक संहिता के विरोध में 1972 में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसीलिए गठित हो गया था। तो ये देखे कि और वहीं इस पे और भी देखा जाए तो जो फेमस साहबानों का मामला था तो उसमें जो अदालत का फैसला पक्ष में था उनके, लेकिन उसको फिर तत्कालीन इन्हीं चुनौतियों के कारण फिर कानून को अमेंडमेंट किया गया था मतलब बदला गया था। तो इस तरह की लेकिन वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो कुछ परिवर्तन फिर से राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ी है तो कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पास एक सकारात्मक दिशा में कुछ कदम उठाए जैसे कि 3 तलाक के मुद्दे हो गए, तो यहाँ पास सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम किया है इससे कि कह सकते हैं कि जो समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रकार से एक कदम ही माना जा सकता है। और वहीं अनुच्छेद 370 को यहाँ पास हटा करके जो अलगाववादी मानसिकता पनप रही थी उस जम्मू कश्मीर वगैरह उसमें तो उसको भी मतलब ख़त्म करके देश को एक रूपता के सूत्र में बांधने का प्रयास सरकार ने किया है। तो इससे ये जो है तो मतलब कि यहाँ पर राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि मानते हुए संविधान यहाँ पास बताया कि संविधान भारत का राजधर्म है और भारतीय संस्कृति भारत का राष्ट्रधर्म ना, तो प्रत्येक संविधान प्रत्येक भारतवासी संविधान और विधि के प्रति निष्ठावान है। तो एक देश में एक ही विषय पर दो कानूनी विकल्पों का कोई औचित्य ही नहीं है,
कि दो कानून विकल्प हों, तो इसी के उस पर। और एकताबद्ध राष्ट्र में निजी कानून का मतलब क्या है, जब राष्ट्र मतलब एक इंटीग्रेट राष्ट्र है तो वहाँ पर फिर निजी कानून का क्या औचित्य रह गया, इसके बारे में। वहीं राष्ट्रवादी संगठन हालांकि इसके पक्षधर तो हैं और सर्वोच्च न्यायालय के ध्यानाकर्षण से भी इसमें फिर से विमर्श का ये अवसर आ गया है। तो इस तरह से जो दलदल राष्ट्रीय अभिलाषा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और वहीं संविधान निर्माताओं की इच्छा है उसके सम्मान की बात करके यहाँ पास जो है तो समान नागरिक संहिता का समर्थन किया गया है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही, हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। ये आर्टिकल है जी एन वाजपेयी जी का, जो कि सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये रोजगार परक उद्योगों को मिले बढ़ावा से संबंधित ही अपने इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल मतलब अच्छा है। जैसे कि यहाँ पास से वर्तमान में इस पर देखा जाए तो यहाँ पास करोड़ों लोग, जैसे कि यहाँ पास 1947 में अपनी आज़ादी मिली तो उसके बाद जैसे अब मतलब कि लोगों ने अपनी देश की मतलब कमान खुद ही संभालना शुरू कर दिया था। और यहाँ पास लोगों की मतलब आकांक्षाएँ अपेक्षाएँ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। वहीं आर्थिक उत्थान भी लोगों ने मतलब काफ़ी एस्पेक्ट कर लिया था। वहीं वर्तमान में देखें तो सबका साथ सबका विकास जैसा नारा भी जो हमारी सरकार का दिया गया है, तो उससे भी थोड़ा सा एक काफ़ी व्यापक दृष्टिकोण है। तो उनकी जो सभी कार्यक्रम खासतौर पे वर्तमान सरकार इसमें देखा है तो थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट किया गया यहाँ पास इस आर्टिकल में। तो यहाँ पर जो ये सबका साथ सबका विकास नारे को अप्रिशिएट करके यहाँ पास कि इसका व्यापक दृष्टिकोण है और खासतौर पे ये सरकार को उस पर दिख भी रहा है जमीन स्तर पर। जैसे कि उनके जो कार्यक्रम हैं, जैसे वो जनधन हो या आधार हो, शौचालय से रिलेटेड हो या मुफ्त रसोई गैस हो, बिजली कनेक्शन हो, सबके लिए आवास हो, किसान सम्मान मुद्रा हो या आयुष्मान भारत हो ना, ये इलाज से रिलेटेड हो या सामाजिक सुरक्षा आवरण हो, ये पेंशन हो, इस तरह की जो लक्ष्य हैं तो ये लोगों को गरीबी की जैसे बाहर निकालने के लिए ही ये जो कदम है सरकार के लिए गए हैं। तो इसमें जो है तो इसी के बारे में कि यहाँ पास जो वर्तमान दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो उसके बिना तो आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है देश में। तो उसी के संदर्भ में यदि देखा जाए तो हमारे जो वर्तमान सरकार है तो उसमें भी अगले 5 वर्ष में अर्थव्यवस्था अपनी $5 ट्रिलियन बनाने के जो संकल्प मतलब प्रतिबद्धता जताई गई, लक्ष्य रखा गया है, तो उससे संबंधित तो कुछ मतलब यहाँ पर हालांकि उनके लक्ष्य को कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं तो उन्होंने इसका उपहास भी उड़ाया है कि ये कैसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे पॉसिबल है। हालांकि 2024 तक सरकार की प्रतिबद्धता भी हुई है तो उसमें कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ये जो है कि अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि होती है तो कई पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे कि ये जो घरेलू और विदेशी दोनों कारक इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ मतलब कि कोई एक ही फैक्टर काम नहीं करता, बल्कि घरेलू भी सकारात्मक माहौल हो तब जाकर के विदेशी इन दोनों के मिला जाए तब जाकर के जो हमारी अर्थव्यवस्था हो तो उसको बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पास जो अर्थव्यवस्था की हमारी वर्तमान संदर्भ यदि देखा जाए तो हमारी जो देश की इकोनॉमी है तो कुछ चैलेंजेस से गुजर रही है, कुछ समस्याएँ हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ ढांचागत समस्याएँ हैं ना, चाहे और वो जो है तो चक्री पहलू भी उसकी राह में कुछ परेशानी खड़ी करते हैं। और सरकार जो है तो वैसा ही दृढ़ संकल्प सरकार को दिखाना होगा, जैसे कि यहाँ पास मतलब राइटर सरकार को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जैसे सरकार कुछ दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार ने 3 तलाक जैसे मुद्दों पे या आर्टिकल 370-35 से ख़त्म करने के लिए उठाया थे, उसी तरह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए सरकार को कुछ काफ़ी बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो। वहीं पास जैसे कि यहाँ पर समस्याएं कुछ ऐसे हैं कि जो मांग में बिल्कुल कमी हो गई है, एक प्रकार से मांग थम सी गई है और निवेश भी बिल्कुल कम हो गया है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है तो इसीलिए मंदी की ओर जा रही है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कुछ बड़ी और ठोस कदम उठाने के लिए की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ ढांचागत सुधार हो, साथ ही कुछ तत्कालिक कदम उठाने होंगे। ढांचागत सुधारों के संदर्भ में यहाँ पर सीधी बात की जाए तो जैसे कि उसमें कुछ भूमि सुधार है, श्रम सुधार है, उनके साथ ही साथ सरकारी बैंक के विनिवेश जैसे कुछ ऐसे क्षेत्रों पे भी कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि निवेश में हमारे तो गुणात्मक सुधार हो ना, और उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके। साथ ही उत्पादकता को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि ढांचे का सुधार बेहतर तरीके से हो सके। और उत्पादकता जो है तो उत्पादकता ही जो ऊँची GDP जो होती है उसको वृद्धि को दिशा देती है। उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जो है तो हमारी GDP और ज़्यादा ग्रो करेगी। अपेक्षाकृत कमज़ोर निवेश जो है तो उसके बावजूद यह तरीका कारगर होती है कि उत्पादकता ज़्यादा ऊँची हो जाती है तो जो GDP की जो वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत जो कमज़ोर निवेश होता है तो वो भी ज़्यादा फिर
समस्या नहीं क्रिएट करते, यदि उत्पादकता ठीक मेंटेन है तो हमारी जीडीपी को फिर समस्याएँ नहीं क्रिएट होती हैं। वहीं पास ये देखा जाए तो कराधान वगैरह समस्याएं, जो जटिल प्रक्रियाएं और नीतिगत मोर्चे हैं, उन पर भी सरकार को थोड़ा सा कुछ स्पष्टता के साथ और एक निरंतरता और स्थायित्व के साथ काम करने की ज़रूरत है यहाँ पास। वहीं सरकार को निवेशकों का और लोगों का एक भरोसा भी हासिल करने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पास मतलब कि हमारी जो सरकार की जो राजनीतिक क्रियाकलाप है उसमें कुछ हमारी नीतिगत अस्थिरता है, तो उनकी वजह से निवेशकों में भरोसा नहीं हो पाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विश्वास लोगों में हो। यदि विश्वास होगा तो निश्चित तौर पर मांग जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पास अभी एक मतलब अमेरिका में क्या स्थिति है, अमेरिका में यही स्थिति है कि जैसे वहाँ पास वहाँ के लोग जो है तो उनमें विश्वास इतना ज़्यादा हुआ है कि वहाँ पास मांग बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, लोग लोन मतलब ऋण ले लेकर के और ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको विश्वास है, मतलब कि वहाँ पास पूरा एक प्रकार से इकोनॉमी इसीलिए फ्लो ज़्यादा है मार्केट में वहाँ पास। तो उसी तरह से यहाँ पास विश्वास कायम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए वर्तमान संदर्भ में, यदि आर्थिक सुस्ती से निपटना है तो। और वहीं पास यदि देखा जाए तो उद्योगों को उभारने के लिए हमें और भी जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है, तो वहीं अन्य उद्योगों को जो प्रभाव हमें उन ऐसे उद्योगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा जो ज़्यादा रोजगार भी क्रिएट करते हों, और साथ ही साथ ऐसे उद्योग को भी फोकस करना होगा जो कि ज़्यादा इफेक्ट डालते हों अन्य क्षेत्रों पर भी, है ना, जैसे कि इनमें जैसे कृषि भवन निर्माण हो गया, बुनियादी ढांचा हो गया, खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड हो गया, या स्वास्थ्य देखभाल या पर्यटन रिलेटेड, या रत्न और आभूषण और वाहन जैसे तमाम अन्य क्षेत्र भी शामिल है इसमें से, तो इन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और साथ ही यहाँ पर देखा जाए कि प्रत्येक क्षेत्र की मदद के लिए जो है तो प्रभावी उपाय करने तो होंगे ही, और वहीं जो है तो रोजगार के लाखों लाख अवसर भी इससे सृजित होंगे निश्चित तौर पे। यदि इस पर हम सुधार करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वो होंगे ना। और वहीं पर से जो है तो इससे समग्र जो मांग है तो उसमें व्यापक रूप से निश्चित तौर पे यदि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार किए जाएंगे और उस पर ध्यान लक्षित तरीके से ध्यान दिया जाएगा तो जो है तो जो समग्र मांग है तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं साथ ही साथ ये चीज़ें होंगी तो उसके साथ ही जो सीमेंट इस्पात अन्य सामग्री जो है तो उनसे संबंधित भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इनको भी बूस्ट मिलेगा इसके साथ ही। वहीं इसके लिए जो है तो हमारे वित्त मंत्रालय को एक समन्वय की भूमिका निभानी होगी, और साथ ही इससे जो जुड़े अन्य मंत्रालय हैं तो उनको भी इसके लिए कायाकल्प के लिए पूरी मतलब की जिम्मेदारी संभालना ही होगी, यानी कि उनको आगे आना होगा। और साथ ही यहाँ पास से राइटर कुछ और भी सुधार, जैसे कि जो नौकरशाही है और न्यायिक प्रक्रिया है, तो इन्होंने क्या है कि उत्पादकता को बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर किया है, तो एक अवरोध के रूप में सामने आया है। तो जैसे कि हमारे यहाँ 1990 के दशक में आर्थिक सुधार हुए थे, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, तो उसने जो है तो काफ़ी हमारी इकोनॉमी में मतलब चेंजेस लाया था, काफ़ी अच्छा हुआ था। तो पूंजी और निवेश जैसे जो दो अहम स्तंभ थे तो उनके आधार फैसलों को सक्षम रूप से लागू करने पर ही टिका होते हैं। तो जो निवेश करते समय जो निवेशक होते हैं तो जिन जोखिमों को आकलन करते हैं तो उन्हें लेकर के जो समायोजन जरूर वे निश्चित तौर पर समायोजन कर सकते हैं, और वही जो परियोजनाएँ होती हैं उनमें अनिश्चितता तो होना ही नहीं चाहिए ना, तो अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। और साथ ही जो किसी भी कोई भी राजनीति कोई भी नीति हो तो उसको ज़मीन पर साकार होने में हालांकि कुछ समय लगते हैं या कि दशक भी लग जाते हैं, लेकिन भारत में तो यह चुनौती और बड़ी हो जाती है। साथ ही यदि देखा जाए तो इससे जो है लागत बढ़ती है और फ़ायदा भी कम होता है, तो जिससे हमारा आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। सांकेतिक यदि यहाँ पर से यदि हम सांकेतिक जीडीपी वृद्धि यदि 8% है तो हम और 15% के सांकेतिक वृद्धि के आधार पर यदि हम अनुमानित राजस्व प्राप्ति की उम्मीद कर लेते हैं तो ये भी एक मतलब कि एक कोरी कल्पना सी होगी ना कि है 8% जीडीपी वृद्धि और हम 15% के हिसाब से अनुमान करें, तो ये भी प्रकार से कुछ कल्पना तीत ही चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह से हमें जो है तो रणनीतिक विनिवेश की राह अपनाने की बात यहाँ पर राइटर ने की है। साथ ही जो तो सरकार को तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए जो तुमने ज़्यादा मतलब कि उसमें ज़्यादा पैसा वेस्ट वो डालने की ज़रूरत होगी जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। वहीं जो है तो निवेश जो है तो उसका असर चालू वित्त वर्ष में महसूस होगा निश्चित तौर पर। इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार होंगे तो निश्चित तौर पर इसका आउटपुट जो है तो
सरकार को देखने को इकोनॉमी मिलेगा, और जो मंदी की समस्या है तो उससे मतलब सकारात्मक तरीके से निपटा जा सकेगा। वहीं यदि सरकार इस तरह जो सुधार करेगी तो उससे निश्चित तौर पे पूंजी तो लगेगी, लेकिन जो राजकोषीय अनुशासन है तो उसके मामले में सरकार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बरत सकती है ना, कि जैसे 3.3 वगैरह अपनी है तो इसको थोड़ा सा इससे हम बढ़ भी जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान सिचुएशन मंदी का दौर है। तो एक बार यदि मांग जनरेट हो गई तो उसके बाद तो इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति तो इसकी थोड़ी इसको मतलब इस दायरे को लिमिट पॉइंट को थोड़ा सा हमें मतलब बढ़ाना होगा। तो राजकोषीय अनुशासन की समस्या से हट करके इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और सिर्फ केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश जो हमें राजकोषीय अनुशासन की मतलब इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं डायरेक्टर, तो आप उसमें बोलो कि जो है तो सिर्फ और सिर्फ केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की शर्त पर ही फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ये भी एक सकारात्मक कदम हो सकता है। वहीं जो कारों की खरीद को जो प्रोत्साहन देने की बात कर रही है सरकार, तो उसकी बजाय इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट की जो होती है, जैसे कि सरकार को सड़क बनाने में निवेश करना ज़्यादा उचित होगा, बजाय कि कारों की खरीद वगैरह उनको ऑटो सेक्टर की बातें यहाँ पास किए रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करने की बात हो सरकार ने की है। तो वहीं जो है तो इसमें सरकार की प्रतिबद्धता भी देखी जा सकती है, कि जो हमारे मतलब पीएम जी ने भी लाल किले के प्राचीर 15 अगस्त में कहा भी था कि जो संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान करना होगा, यानी कि जो निवेशक है तो उनके प्रति लोगों में सकारात्मक नज़रिया सकारात्मक मानसिकता बनाने की भी ज़रूरत है, तभी जाकर के क्योंकि वही मतलब यहाँ पास इकोनॉमी को बूस्ट देने में काफ़ी हेल्पफुल हो गई है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो ये आर्टिकल इतना ही, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं जो कि हिंदुस्तान का है। ये शांति की ओर आर्टिकल है, जो कि इसमें जैसे कि यहाँ पास अपने जो वर्तमान उस पर जम्मू कश्मीर की केस की सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पास इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। जैसे कि कहीं भी कुछ समस्याएं होती है देश में तो हिंसा को रोकने के लिए सरकार की भी कुछ सजगता होती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी वहाँ पास जाने के रास्ते खुले होते हैं। लोकतंत्र की यही तो स्वागत योग्य विशेषताएँ हैं, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती भी है कि इस देश में जो है तो व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका ये चीज़ें जो है तो जैसे कि इनकी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी ही है, ये जो है तो एक दूसरे को मतलब प्रेरित और संशोधित करते रहते हैं। एक देश में संविधान के साय में लोकतंत्र प्रशंसनीय रूप से पलता आ रहा है। तो वहीं जो है तो यदि ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं तो इन व्यवस्थाओं के तहत तो ये वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में गया है, और इसके बारे में सरकार से उसने हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है, तो उसी ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, और ये एक लोकतंत्र की भी मतलब मजबूती भी इसको कह सकते हैं। तो वहीं जैसे जम्मू कश्मीर के संबंध में भी केंद्र सरकार से असहमत लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वहाँ पास सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि उनकी याचिकाओं को भी स्वीकार किया। वहीं पास जैसे कि न्यायालय की मंशा स्पष्ट भी की, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द सामान्य ज़िंदगी की बहाली वहाँ पास बहाली की बात की गई, तो सरकार केंद्र सरकार ने भी बताया कि मतलब कि वहाँ पास उस वर्तमान स्थितियों को सामने रखा है। और जो यहाँ पास वर्तमान में ये भी कहा गया कि जैसे जम्मू कश्मीर की जो सुलझी हुई और सभ्य राजनीतिक आवाज़ है उनको सक्रिय होने का मौका दिया जाए, एक जैसे कि 40 दिन तो हो गए, तो अब यहाँ पास कुछ स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हो रही हैं, तो अब वहाँ पास ज़रूरत है कि जो है कुछ मतलब कि ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट वगैरह नहीं, जैसे जो सभ्य और राजनीतिक आवाज़ हो तो उनको सक्रिय होने के मौके देने की बात यहाँ पास की गई है। या तो इसके लिए कदम भी उठाया गया, जैसे गुलाम नबी आज़ाद को अपने घर परिवार से मिलने के लिए इजाज़त भी दे दी गई, तो इसको अप्रिशिएट भी किया, यानी ये अच्छा कदम रहा है। और वहीं ये देखें तो न्यायालय में ये भी बातें आई कि जैसे फारूक एक्स सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी को, तो उनको विशेष जनसुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार भी किया गया है, गिरफ्तार बताया गया है। तो ये कोई मतलब कि ये तो सामान्य घटनाएं हुई, और भी पहले भी इसके हुई थी, जो उनके जो पिता थे शेख अब्दुल्ला, तो उनको भी हिरासत में रखा गया था। तो लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट यहाँ पास किया कि जैसे इस घाटी में अखबार वगैरह भी डेली चल रहे हैं, दूरदर्शन वगैरह भी पूरे चैनल वहाँ पास काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। वहीं पास ये भी बताया गया कि कश्मीर में 88% थाना क्षेत्र में पाबंदी नहीं है, वो भी पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पास से मतलब स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो रही हैं, इस तरह मतलब पूरी चीज़ें। वहीं पास यदि इस तरह देखा जाए तो 2016 में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, कि 3 महीने तक नेटो मोबाइल वगैरह बंद थे, जो बुरा वो आतंक की मौत के बाद जो हुआ था है ना। तो
याचिकाकर्ताओं की एक और शिकायत याद भी थी कि जो जम्मू कश्मीर में है तो उच्च न्यायालय तक जो पहुंचना बहुत आसान नहीं है, ये वहाँ पर कहा गया। तो हालांकि एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी की जो मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई ने, तो उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया और साथ ही कहा उच्च न्यायालय से इसके बारे में रिपोर्ट भी मांगी और ये भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वो स्वयं श्रीनगर जाएंगे इसके बारे में, यदि इस तरह की समस्याएँ वहाँ देखेंगे कि इस तरह क्या वाकई में इस तरह की समस्याएँ हैं। तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इसको कहा जा सकता है। तो संविधान के तहत जो अदालत में की गई जो ऐसी कोशिशों हैं तो उसी से तो भारत हमारे लोकतंत्र जो है तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और निश्चित तौर पे उसके संदेह मतलब ये दिखता भी है। तो यदि इसमें ये भी थोड़ा सा कुछ मतलब व्यक्तिगत संविधान सावधानी समय की मांग भी है, कहीं मतलब कुछ अस्थिरता के भी माहौल न हो तो इसलिए भी थोड़ा सा कुछ संदेह भी व्यक्त किया गया है। हालांकि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जैसे सरकार को एक कदम आगे बढ़कर प्रयास करने होंगे इस दिशा में कि जैसे कश्मीरी भी होते अपने दायित्व को समझें और किसी को अपनी बात रखने के लिए तो पत्थरों बंदूकों की कतई ज़रूरत न पड़े और भारतीय संविधान के तहत शांति आए और विकास हो, तो इसके बारे में मतलब एक सकारात्मक बातें मतलब की गई हैं। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा है लोकतंत्र के हिसाब से भी और दोनों। तो बस आज का आर्टिकल इतना ही दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी मतलब कुछ भी मतलब क्वेरीज हो तो कमेंट करें। बस आज के लिए धन्यवाद।